नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान आलोचना का शिकार होने वाली मोदी सरकार और बीजेपी ने अब लोगों तक पहुंचने का बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी ने दूसरे देश में 4 लाख राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक तैयार किए हैं। इसकी शुरुआत पूरे देश में हो चुकी है। झारखंड में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के सभी जिलों में 4 सदस्यों की टीम बन चुकी है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों को अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से मरीजों के इलाज में परेशानी हुई। मरीजों का इलाज व देखभाल करने के लिए डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों का भारी अभाव था। इस वजह से कई कोरोना केयर केंद्रों का उपयोग नहीं हो सका। इसे ध्यान में रखकर भाजपा ने बूथ स्तर पर स्वास्थ्य स्वयं सेवक तैनात करने का फैसला किया है। प्रदेश कार्यालय में बैठक के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा है कि स्वास्थ्य स्वयं सेवक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी सेवा देंगे। जहां तक मुकदमों की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी उन पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में 600 से अधिक फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हुए हैं, जिनकी सूचना प्रदेश को प्राप्त हुई है। तो ये सरकार तो पहले से ही मन बना ली है कि हम फर्जी मुकदमे करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी मुकदमों से और जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। आज की बैठक में आदरणीय बाबूलाल जी ने अपने संबोधन में उस घटना को सुनाया हम लोगों को, जब मसानजोर में आडवाणी जी को कैद किया गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 सप्ताह का जेल भरो कार्यक्रम किया था। राज्य की जेल छोटी पड़ गई थी। जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं सभी प्रदेश मोर्चा के अध्यक्षों की एक बैठक आहूत की गई थी।